गैरेज में गैस सिलेंडर फटने से हुआ धमाका। दुकान में लगी भीषण आग। धमाके के बाद दुकान में लगी भीषण आग। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 सिलेंडर फटने से हुआ तेज धमाका। एकाएक हुए धमाके के बाद मची अफरा तफरी। गैस चूल्हा आदि बिक्री व रिपेयरिंग करने की दुकान में हुआ धमाका। क्षेत्रीय लोगों का आरोप, गैस रिफिलिंग करते समय सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। लखनऊ बहराइच हाईवे स्थित कोतवाली देहात इलाके में घटना हुई। बंजारी मोड़ स्थित रमेश पुत्र मिठाई लाल की दुकान में हुआ धमाका। लगी भीषण आग। दुकानदार के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अगल बगल के दुकानदारों व राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल व पुलिस विभाग की टीम। भी शहर में धड़ल्ले से चल रहा था अवैध रिफिलिंग का कारोबार। अवैध रिफिलिंग कारोबारियों पर नकेल कसने में अग्निशमन विभाग व जिला प्रशासन नाकाम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बंजारी मोड़ के पास रमेश जायसवाल नाम के एक व्यक्ति की चूल्हे की दुकान थी, जिसमें गैस सिलेंडर जो बेचता था, उस दुकान में आग लगी और तत्काल दमकल कर्मियों ने मौके पर जाकर के उस पर काबू पाया। एक दो सिलेंडर उसमें विस्फोट भी हुआ है। आग के कारणों किन कारणों से आग लगी इसकी जांच की जा रही है। कुछ लोग जनश्रुतियों के आधार पर कुछ लोग बता रहे हैं कि गैस रिफिलिंग भी करता था, और अगर ऐसी कोई उसमें साक्ष्य ऐसा मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। कोई हताहत नहीं हुआ है, आग बुझ चुकी है और यातायात सामान्य है। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।